हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ के रानी। मेरी कुल 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गई है। मैंने एमसीए करा हुआ है। मैं ऑथर भी हूँ कई प्रोग्रामिंग बुक्स का। मेरे बारे में आप ज़्यादा जान सकते हैं गूगल में सर्च करके। ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। ये कुछ बुक्स हैं मैंने अभी लिखी हुई हैं, और भी बुक्स आ रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम C++ प्रोग्रामिंग के पार्ट थर्ड को आज डिस्कस करेंगे। पॉइंटर्स वगैरह इसमें डिस्कस होंगे, क्लासेस, फ्रेंड फंक्शन, ये सारी चीजें। हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन? इंट छोटी ब्रैकेट है, स्टार FP, फिर छोटी ब्रैकेट है, कैरेक्टर टाइप है, और ये पॉइंटर। पॉइंटर का ये निशान होता है, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है? पॉइंटर टू अ पॉइंटर, पॉइंटर टू एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, पॉइंटर टू फंक्शन टेकिंग कैरेक्टर आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न एन इंट। फंक्शन टेकिंग ए कैरेक्टर आर्गुमेंट एंड रिटर्न ए पॉइंटर टू इंट। तो इसका सही आंसर है सी। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो ये रहा है कि पॉइंटर टू अ फंक्शन टेकिंग ए कैरेक्टर आर्गुमेंट ले रहा है, और ये रिटर्न कर रहा है इंट। इस स्टेटमेंट का यही मतलब है। देखो, आप इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि पॉइंटर है क्या चीज। पॉइंटर जो होता है खुद में एक वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को रखता है, ठीक है। लाइक एनी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट, यू मस्ट डिक्लेयर ए पॉइंटर बिफोर यू कैन वर्क विथ इट। जैसे कि आप कोई और वेरिएबल या कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही आपको पॉइंटर भी डिक्लेयर करना पड़ता है, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं। और जनरल फॉर्म क्या होता है इसका डिक्लेरेशन का? जनरल फॉर्म होता है स्टार के साथ, ठीक है, इस साइन के साथ। अब एक इस कोड को समझो आप। इस कोड का आउटपुट से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन में एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू असाइन हुई है 20, और ये स्टार IP है, ये है पॉइंटर, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी एम्परसेंट जब हम लगा देते हैं, इस एम्परसेंट का मतलब हो गया कि इसका एड्रेस हमने स्टोर करा दिया IP में, ठीक। अब हम प्रिंट करा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ वार वेरिएबल, वेर वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद हम चल रहे हैं एड्रेस स्टोर इन IP अवेलेबल। ये IP क्या प्रिंट करेगा, वार क्या प्रिंट करेगा, ये वेर कैरेक्टर क्या प्रिंट करेगा, IP क्या प्रिंट करेगा। और जब हम पॉइंटर लगा देते हैं तो पॉइंटर IP क्या प्रिंट करेगा। देखो आप, ये जो प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 20। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल एक वेरिएबल है जिसको इनिशियलाइज किया गया 20 के साथ। दूसरा है IP। IP में हमने क्या स्टोर करा है? एम्परसेंट वार लगाया, यानी इस वेयर का एड्रेस जो कुछ इस तरह का होगा। और तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा पॉइंटर IP। पॉइंटर IP क्या रख रहा है? इसकी वेयर की वैल्यू। तो ये वैल्यू हो जाएगी 20। इस तरह का कुछ प्रिंट करेगा। हमने एक सामान्य तरीके से देखा कि कैसे पॉइंटर वर्क करता है। पॉइंटर खुद में काफी बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे आगे के प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे पॉइंटर्स को हल करते हैं, पॉइंटर से रिलेटेड प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, द ऑपरेटर यूज फॉर डी रेफरेंसिंग और इनडायरेक्शन इज। जो ऑपरेटर डी रेफरेंसिंग के लिए या इनडायरेक्शन के लिए यूज होता है, वो इनमें से कौन सा है? तो वो ऑपरेटर ये है। हमारा सही आंसर है ए। आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है स्ट्रिंग पॉइंटर एक्स और वाई, इसका क्या मतलब है? एक्स इज ए पॉइंटर टू ए स्ट्रिंग, वाई इज ए स्ट्रिंग, वाई इज ए पॉइंटर टू ए स्ट्रिंग, एक्स इज ए स्ट्रिंग। बोथ एक्स एंड वाई आर पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग टाइप,
वाई इज एन पॉइंटर टू अ स्ट्रिंग। अब क्या इसका सही आंसर इन चारों में से क्या होगा? देखो आप, एक्स इज ए पॉइंटर टू अ स्ट्रिंग, ये पॉइंटर कहाँ पे लगा हुआ है? इधर लगा हुआ है, ठीक है। और वाई के आगे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वाई क्या है? वाई नॉर्मल स्ट्रिंग है। हमारा सही आंसर होगा ए। अब आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not possible state for a pointer? एक पॉइंटर में कौन सा पॉसिबल स्टेट नहीं है? होल्ड द एड्रेस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, पॉइंट वन पास्ट द एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जीरो पॉइंट टू अ टाइप। तो देखो आप, पॉइंटर का सिर्फ तीन स्टेट हो सकता है। एक कि ये होल्ड द एड्रेस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करे, पॉइंट वन पास्ट द एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और जीरो। तो हमारा जो नहीं पॉसिबल है ये है पॉइंट टू ए टाइप। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल, इसमें से कौन सा है जो इलीगल है? इंट पॉइंटर आई पी, स्ट्रिंग एस पॉइंटर एस पी इक्वल टू जीरो, इंट आई सेमी कॉलन डबल पॉइंटर डी पी इक्वल टू एम्परसेंट आई, इंट पॉइंटर पी आई इक्वल टू जीरो। तो हमारा ये है, ये इलीगल है। आगे के प्रश्न देखते हैं। व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। अब इसमें देखो आप, क्या है? इंट ए है, ए इक्वल टू 100 है, बी इक्वल टू 200 है, एक पॉइंटर पी है जिसमें ए की एड्रेस को डाला गया है, और क्यू है पॉइंटर जिसमें बी का डाला गया है, और पी इक्वल टू क्यू है, यानी ये पी और ये क्यू आपस में बराबर है। बी इज असाइन टू ए, पी नाउ पॉइंट्स टू बी, ए इज असाइन टू बी, क्यू नाउ पॉइंट्स टू ए। तो देखो इसका सही आंसर होगा, अब पी बी को पॉइंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि P इक्वल टू हो गया Q, ठीक है, इसलिए अब P B को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले P A को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब यह B को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि P इक्वल टू Q हो गया है। आगे क्या प्रश्न देखते हैं। Which of the following correctly declares an array? इसमें से कौन सही से एरे की तरह डिफाइन हुआ है? तो हमारा सही फॉर्मेट है ये, ठीक है। व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे विथ 9 एलिमेंट्स? अगर 9 एलिमेंट्स हैं एक एरे में, तो लास्ट नंबर, लास्ट एलिमेंट का क्या इंडेक्स होगा? तो इसका सही आंसर है 8। क्यों 8? क्योंकि इंडेक्सिंग जब भी शुरू होती है जीरो से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप काउंट करिए कितने हैं इसमें एलिमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 9 एलिमेंट का एरे है। तो इसको याद रखना है आपको, जब भी इंडेक्स पूछा जाएगा 1 माइनस हो जाएगा अगर लास्ट इंडेक्स पूछा जाता है तो, अगर फर्स्ट इंडेक्स पूछा जाएगा तो वो 0 हो जाएगी। व्हाट इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ एन एरे? एरे का करेक्ट डिफिनेशन क्या है? एन एरे इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। एन एरे इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट, एन एरे इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप प्लेस्ड इन नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। एन एरे इज एन एलिमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप। ये चारों में से कौन सा कथन एरे के लिए सही है? तो हमारा सही आंसर है, एन एरे इज ए सीरीज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप के एलिमेंट का सीरीज होता है इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। आगे का प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस द सेवेंथ एलिमेंट स्टोर्ड इन ए एरे? एक एरे में सातवें एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो इसमें से कौन सा सही है? सातवें एलिमेंट को, सेवेंथ एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हो तो इसमें से कौन सा सही होगा?
तो मैंने बताया था इंडेक्स 0 से शुरू होता है। अगर हमें सातवें को एक्सेस करना है तो छठे छठे की इंडेक्स लिखनी होगी। तो हमारा सही आंसर है एरे बड़ी ब्रैकेट के अंदर 6। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग डिक्लेरेशन। अब देखो ये आप क्या है, ये इंट छोटी ब्रैकेट पॉइंटर पी, फिर एक एरे है और फिर ये छोटी ब्रैकेट बंद हो रहा है और फिर से ये एक फंक्शन की तरह बन रहा है। क्या है? पी इज पॉइंटर टू अ फंक्शन, पी इज एरे ऑफ पॉइंटर टू फंक्शन, पी इज पॉइंटर टू सच फंक्शन विच रिटर्न टाइप इज द एरे, पी इज पॉइंटर टू एरे ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसका क्या सही मतलब हुआ? तो हमारा सही आंसर है पी इज एरे ऑफ पॉइंटर टू फंक्शन, पी इज एरे ऑफ पॉइंटर टू फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज साइज ऑफ जेनरिक पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। 32 बिट प्लेटफॉर्म में सी प्लस प्लस में पॉइंटर का क्या साइज होता है? 2, 4, 8 या 0। सही उत्तर है 4। आगे बढ़ते हैं। हाउ आर द कॉन्स्टेंट डिक्लेयर। कॉन्स्टेंट अगर डिक्लेयर करना होता है तो किस कीवर्ड का यूज करते हैं? कॉन्स्ट कीवर्ड का या डिफाइन प्रीप्रोसेसर का? बोथ कॉन्स्ट कीवर्ड और डिफाइन प्रीप्रोसेसर का या डॉलर डिफाइन का? तो देखो आप, इसका सही उत्तर है दोनों ही जरूरी है, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए, कॉन्स्ट कीवर्ड का भी और हैज डिफाइंड प्री प्रोसेसर का भी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा कथन गलत है? रेफरेंस इज द अल्टरनेट नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेफरेंस अल्टरनेट नेम होता है ऑब्जेक्ट का। ए रेफरेंस वैल्यू वंस डिफाइंड कैन बी रीअसाइंड, फिर से रीअसाइन हो सकती है। डिफाइंड रेफरेंस वैल्यू, ए रेफरेंस वैल्यू वंस डिफाइंड कैन नॉट बी रीअसाइंड। एक बार अगर डिफाइंड हो गई तो दोबारा रीअसाइंड नहीं हो सकती है। रेफरेंस इज द अल्टरनेट नेम ऑफ द वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल का दूसरा नाम है। तो इसका सही आंसर है ए रेफरेंस वैल्यू वंस डिफाइंड कैन बी रीअसाइंड। एक बार अगर आपने इसको असाइंड कर दिया तो आप डिफाइंड कर दिया तो ये उसे आप दोबारा रीअसाइंड कर सकते हो। विच रेफरेंस मॉडिफायर इज यूज टू डिफाइन द रेफरेंस वेरिएबल, इसमें से कौन सा रेफरेंस मॉडिफायर यूज किया जाता है रेफरेंस वेरिएबल के लिए? एम्परसेंड, डॉलर, हैश या एट द रेट? तो हमारा सही आंसर है एम्परसेंट का इस्तेमाल करते हैं हम रेफरेंस मॉडिफायर के रूप में रेफरेंस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। आगे का प्रश्न है व्हाट विल बी यूज्ड व्हेन टर्मिनेटिंग एक स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन हमारे स्ट्रक्चर से है। हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं लेकिन जब उसे टर्मिनेट करना होता है तो इनमें से कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर को टर्मिनेट करने के लिए। आगे के प्रश्न में देखते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। इस कोड का क्या आउटपुट होगा? देखो आप, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक मेन फंक्शन के अंदर क्या है, एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है? स्टूडेंट का। एक वेरिएबल है नम, कैरेक्टर टाइप है नेम एरे, ठीक है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है उसको हमने स्टू से रेफरेंस लिया और इसमें जब हम नम, इस स्ट्रक्चर में नम को हमने पास कर दिया 1, 2, 3 और ये एसटीआर कॉपी स्ट्रिंग को कॉपी हुई नेम में डाल दिया जॉन, ठीक है। अब हमें प्रिंट कराया है नम और नेम को, तो क्या प्रिंट करेगा नम में? क्या स्टूडेंट डॉट नम में क्या प्रिंट करेगा? 1, 2, 3 जो हमने यहाँ डाला था, और नेम में क्या प्रिंट करेगा? जॉन या फिर जॉन जॉन या फिर कंपाइल टाइम एरर या रन टाइम एरर। तो देखो इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि हम इसमें कहीं पर कुछ खास चेंजेज नहीं कर रहे हैं, जो डाल रहे हैं और जो कॉपी, कॉपी का मतलब हो गया यहाँ पे हम कॉपी कर रहे हैं इस नाम को जॉन के। तो हमने क्या किया, एस टी यू हमारा स्ट्रक्चर है,
जिसमें नम जो वेरिएबल है उसमें हमने 1 2 3 डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रक्चर के नेम वेरिएबल में हमने जोन असाइन कर दिया, तो क्या प्रिंट करेगा? नम में हमने 1 2 3 डाला है तो 1 2 3 प्रिंट करेगा, नेम में हमने जोन को कॉपी किया है तो जोन प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए। आगे बढ़ते हैं। Which keyword is used to define macros in C++? Macro अगर define करना होता है C++ में तो हम इनमें से किन keyword का इस्तेमाल करते हैं? Macro का, define का, hash define का, hash macro का। तो देखो इसका सही आंसर है hash define का हम इस्तेमाल करते हैं macro को define करने के लिए। आगे बढ़े। विच सिंबल इज यूज टू डिक्लेयर ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी? कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? तो ये हैश यूज किया जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैक्रोज आर देयर इन C++? C++ में कितने टाइप के मैक्रोज होते हैं? तो आप देखो दो टाइप के मैक्रो होते हैं C++ में, एक होता है ऑब्जेक्ट लाइक और दूसरा होता है फंक्शन लाइक। आगे के प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इम्प्लीमेंट द C++ इंटरफेस? C++ इंटरफेस बनाने के लिए इसमें से किसका इस्तेमाल होता है? एब्सोल्यूट वेरिएबल्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स या डिफॉल्ट वेरिएबल्स? तो इसका सही आंसर है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। इसे खास तौर पर बनाया जाता है इंटरफेसेस की तरह इस्तेमाल करने के लिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉड्यूलराइजेशन आर इन देयर C++? तो देखो आप मॉड्यूलराइजेशन C++ में दो तरह का होता है, एक तो इंटरफेस और दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन। व्हाट इज सिमिलर टू द इंटरफेस इन C++? मेथड, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मेथड एंड इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, क्या सिमिलर होता है? तो इसका सही आंसर है प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आगे बढ़िए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिंकेज आर देयर इन C++? C++ में कितने टाइप के लिंकेज होते हैं? 1 2 3 या 4? तो तीन तरह का होता है, एक्सटर्नल लिंकेज, इंटरनल लिंकेज और नो लिंकेज। टू यूज इंटरनल लिंकेज वी हैव टू यूज विच कीवर्ड? अगर हम इंटरनल लिंकेज को यूज करते हैं तो इनमें से किसका इस्तेमाल करना होगा? स्टैटिक, एक्सटर्न, स्टैटिक और एक्सटर्न या पब्लिक? तो हमारा सही आंसर है स्टैटिक। व्हाट इज द यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन इन C++? यूजर डिफाइंड हेडर फाइल C++ में क्या होता है? CPP, H, HF या HG? तो सही आंसर है .h एक्सटेंशन का हम यूज करते हैं। Which of the following keyword is used to declare a header file? Include, exclude, string या namespace? कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? तो सही आंसर है हम include कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा सही नहीं है? आईओ स्ट्रीम इज ए स्टैंडर्ड हेडर एंड आईओ स्ट्रीम डॉट इज ए नॉन स्टैंडर्ड हेडर। आईओ स्ट्रीम इज ए नॉन स्टैंडर्ड हेडर एंड आईओ स्ट्रीम डॉट एच इज ए नॉन स्टैंडर्ड हेडर। आईओ स्ट्रीम इज ए स्टैंडर्ड हेडर एंड आईओ स्ट्रीम डॉट एच इज ए स्टैंडर्ड हेडर। आईओ स्ट्रीम इज ए नॉन स्टैंडर्ड हेडर। तो सही आंसर है आईओ स्ट्रीम इज ए स्टैंडर्ड हेडर एंड आईओ स्ट्रीम डॉट इज एच इज अ नॉन स्टैंडर्ड हेडर। 30 नंबर प्रश्न है, व्हाट डज अ डिफॉल्ट हेडर फाइल कंटेन? एक डिफॉल्ट हेडर फाइल में क्या होता है? प्रोटोटाइप, इम्प्लीमेंटेशन, डिक्लेरेशन या पॉइंटिंग? तो डिक्लेरेशन होता है। व्हाट डज अ क्लास इन C++ होल्ड्स? एक क्लास में क्या होता है? डेटा होता है, फंक्शन होता है, दोनों होता है या फिर एरे होता है? क्लास के अंदर क्या होता है? तो देखो ये बोथ होता है, डेटा भी होता है और फंक्शन भी होता है। 32, हाउ मेनी स्पेसिफायर आर प्रेजेंट इन एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास?
एक्सेस स्पेसिफायर क्लास में कितने होते हैं? तीन होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। व्हिच इज यूज टू डिफाइन द मेंबर ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली? क्लास के मेंबर को एक्सटर्नली अगर डिफाइन करना होता है तो इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी। इस ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें क्लास से बाहर लिखना होता है तो। विच अदर कीवर्ड्स आर यूज्ड टू डिक्लेयर द क्लास अदर देन क्लास? ठीक है, ऑल्सो यूज्ड टू डिक्लेयर द क्लास। क्लास को डिक्लेयर करने के लिए क्लास के अलावे इन किन इनमें से कौन से कीवर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं? तो इसका सही आंसर है दोनों, स्ट्रक्ट और यूनियन। इन दोनों का इस्तेमाल हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं बिना क्लास कीवर्ड को यूज किए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड? इस कोड का क्या आउटपुट होगा? क्या है ये? है कि एक क्लास है बॉक्स, बॉक्स के अंदर एक वेरिएबल है कैपेसिटी, उसके बाद है बॉक्स का कंस्ट्रक्टर है जिसमें कैपेसिटी इक्वल टू कैप है, और एक फ्रेंड फंक्शन है सो। सो फ्रेंड फंक्शन है, सो में बी को असाइन करा गया 10। ठीक है, और यहाँ इसने प्रिंट कराया वैल्यू ऑफ कैपेसिटी इज बी डॉट कैपेसिटी। अब यहाँ मेन पे सो क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा इसे आप देखिए। कैपेसिटी में कैप असाइन है, बॉक्स फंक्शन है, बॉक्स में 10 को एलोकेट किया गया, तो क्या होएगा? तो इसका सही आंसर होगा 10, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच कीवर्ड इज यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन? इसमें से कौन सा कीवर्ड ट्राई, थ्रो, कैच या हैंडलर यूज किया जाता है एक्सेप्शन को हैंडल करने में? तो इसका सही आंसर है कैच। ठीक है, व्हिच इज यूज्ड टू थ्रो एक्सेप्शन? थ्रो करने के लिए, जब एक्सेप्शन मिल गया तो उसे थ्रो करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो सही आंसर है थ्रो। What is the use of finally keyword? Finally keyword का क्या मतलब यूज होता है? It used to execute at the starting of program. It will be executed at the end of program even if the exception arises. It will be executed at the starting of program even if the exception arises. It will be executed at the middle of program even if the exception arises. देखो, फाइनली का यूज होता है कि ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब प्रोग्राम एंड हो जाएगा, भले पहले एक्सेप्शन क्यों ना आ जाए। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड? इस कोड का क्या आउटपुट होगा? एक डिवीजन फंक्शन है, इस डिवीजन फंक्शन में क्या हो रहा है, बी इक्वल टू जीरो, तो थ्रो करो डिवीजन बाय जीरो कंडीशन। ठीक है, उसके बाद नहीं तो ए डिवाइड बाय बी करो। ठीक है, मेन है, मेन में क्या है, इंट एक्स है, वाई है, डबल जेड इक्वल टू जीरो। जेड में क्या कर रहा है, ये डिवीजन कर रहा है एक्स और वाई का। ठीक है, उसके बाद जेड को प्रिंट कर रहा है, इसमें से क्या होएगा, 50 प्रिंट होगा, जीरो होगा, डिवीजन बाय जीरो कंडीशन होगा या एरर आएगी? देखो, आप इसमें ट्राई कैच को एक्सेप्शन कैसे हैंडल किया जाता है उस चीज को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। हमारा एक्सेप्शन क्या है कि अगर बी जीरो होगा तो थ्रो कर दो ये वाली एरर की डिवीजन बाय जीरो कंडीशन। अभी हमारे इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आप देखो जेड वाले में एक्स को वाई से डिवाइड करना। अब एक्स कितना है, 50 है, और वाई कितना है, शून्य है। तो 50 को शून्य से हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा इस कंडीशन में आया। अगर इस कंडीशन में आ गया तो थ्रो क्या होगा, ये होगा डिवीजन बाय जीरो कंडीशन। तो हमारा आंसर होगा कि यह प्रिंट करेगा डिवीजन बाय जीरो कंडीशन। आगे बढ़ते हैं हम अपने 40वें प्रश्न पे। वेयर शुड बी प्लेस कैच ब्लॉक ऑफ द डिराइव्ड क्लास इन ए ट्राई कैच ब्लॉक? ठीक है,
before the catch block of base class, after the catch block of base class, anywhere in the sequence of catch block, after all the catch blocks. तो इसका सही आंसर होगा before the catch block of base class. फ्रेंड्स हम अपने सी प्लस प्लस के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. कल हम लोग आपके लिए लेके आएंगे डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रश्नों को.